हाय सो भाई, ये वाला जो वीडियो है ये 100% रिकवरी के ऊपर है कि 100% रिकवरी किसे कहते हैं एंड हम कैसे पता करें कि यार हम 100% रिकवर हो गए, क्योंकि ये थोड़ी अलग चीज़ है। मतलब 100% रिकवरी, थोड़े से मैं बताता हूँ उसके बारे में आपको, कि जैसे जो भी लोग अपने आप को ये बोलते हैं कि मैं 95% रिकवर हूँ, तो मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ, अगर आपको ये बोलते 95% रिकवर हो तो आप अपने आप को ये बोल दो कि आप 100% रिकवर हो, क्योंकि इसी को ही 100% रिकवरी कहते हैं। वो 5% रह जाएगा, बोले ऐसा कैसा हो सकता है भाई, 5% क्यों रह जाएगा? तो देखो, 5% इसलिए रह जाएगा क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को अपने माइंड में सोचते हैं, तो सपोज़ मैं थोड़ी देर के लिए सोच लूँ कि ठंड लग रही है तो मुझे बुखार है, ठंड है, अभी ठंड का मौसम है, तो अगर मैं ऐसे दिमाग में चला लूँ कि यार मेरे बाकी ज़्यादा ठंड लग रही है, शायद मुझे बुखार है, तो कहीं ना कहीं मेरे को हल्का सा बुखार वाला फील आएगा। या कुछ भी आप सोचें, सपोज़ ऐसा सोचो कि आपके सामने बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है आपको, थोड़े कैसे समझो, बहुत अच्छा लग रहा है, जहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप देखो आपके अंदर बहुत अच्छा लगने लगेगा, फील कर रहे होगे आप अभी देख रहे हो, अगर ऐसा सोचे हो तो फील कर रहे होगे। अगर आप ऐसी तरह में ये सोचो कि यार आपके सामने आपने जो कपड़े पहने हैं, सपोज ऐसा आपने जो कपड़े पहने हैं वो बहुत ही गंदे हैं, बेकार, तो आपको फील लगा रहे क्या यार कुछ बदलना चाहिए मुझे, इट्स नॉट, तो सही नहीं है, कुछ बदलना चाहिए, तो ये फील का बात है। तो वैसे ही जो फील है, अगर आप सोचेंगे कि आपको DPDR के बारे में सोचते हैं, जो भी सोचते हैं उसका जो फील है वो आपके अंदर आ जाता है। तो अगर आप 95% रिकवर हैं और आप अगर हर टाइम या कभी कभी या DP चेक करते हैं, तो कहीं ना कहीं DP का कुछ 2-3-5% आपके अंदर आ जाता है, तो यू स्टार्ट फीलिंग लाइक, मतलब आप चेक करने लगते हो कि DP है कि नहीं। ह्यूमन भाई चेक करेंगे तो पता चलेगा कि DP है कि नहीं, तो DP चेक करने के चक्कर में आप लोग ये चेक करोगे कि पहले यार सपनों में है कि नहीं है, तो उससे क्या होगा कि थोड़ा बहुत फील आपके अंदर आ जाएगा। तो देखो, जो 100% हो रही थी जो चीज़, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम हो गई क्योंकि थोड़ी सी फील आ गई। तो जो भी लोग 95% है, तो इसलिए मैं उनको बोलता हूँ कि आप अपने को ये डिक्लेयर करें कि आप 100% रिकवर हैं। 100% रिकवर तब होता है जब इंसान बिल्कुल भी DP के बारे में ना सोचे खुद से, तो तब उसको फील का पता ही नहीं चलेगा, चेक ही नहीं करेगा, फील का पता नहीं चलेगा, तब उसको कह देंगे 100% रिकवर। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि 100% रिकवरी ऐसा नहीं है, जो भी चीज़ 95% रिकवर है यानी कि वो पूरी तरह से 100% रिकवर है। मेरी बातों को आपने समझा होगा कि 95% रिकवरी मतलब किसे कहते हैं, और अगर आप उस 5% को अगर अपने अंदर से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर 95-97% जो भी सब डिफाइन करते हैं, सब ऊपर सबके अलग अलग प्रोस्पेक्टिव हैं, क्योंकि वो फील है वो आप ही बता सकते हैं कि 95 है कि 97 है, ठीक है, ऐसा कुछ करके थोड़ा फील होता है कि फ्रिक्वेंसी, मतलब आप किस टाइम पे कितना फील करो, सबसे हम लोग अपन बनाते हैं भाई कि इतना परसेंट रिकवर है, ये परसेंट रिकवर है, ऐसा ऐसा करके, है ना, वो फील आने लगता है अंदर से। सबका अलग अलग परसेंट होता है, कोई उसी चीज़ को 95% बोलता है, कोई उसी चीज़ को 96%, कोई 97, कोई उसी चीज़ को 92-93 बोलेगा, तो उन लोग पूरा बैंडविड्थ मिला के एक कर देते हैं, क्योंकि वो 5% नहीं जाने वाला, वो 5% मेरे अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, अगर मैं उसके बारे में अगर सोचता हूँ तो हाँ मुझे बहुत अजीब सा लगने लगता है, आप समझ गए, DP जैसा लगने लगता है, थोड़ा सा अनकियर लगने लगता है, और ये ऐसा ही रहेगा, मतलब ऐसा ही रहेगा, ह्यूमन है, अगर आप किसी चीज़ के सोचोगे आपको उसकी फीलिंग्स आएंगी, ठीक है, तो ये ऐसा ही रहने, ये नहीं हटने वाला है, तो इसको आपको जानना पड़ेगा कि ऐसा ही हो और ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही होता है, ऐसा ही सोचता है इंसान। देखो DPDR को समझे ना समझे, इतना समझ के होंगे अच्छे से कि माइंड दोनों चीज़ इस्तेमाल करता है, एक इमोशनल तरीके से और एक आपकी मेमोरी, लॉजिकल मेमोरी, दोनों का इस्तेमाल करके सोचता है। अगर आपको कार को देख के कार का फील नहीं आता, तो आपको कार को बस देखोगे, बस देखते रहोगे, फिर सोचोगे यार ये कार है ऐसा वैसा, फिर सोचोगे अच्छा कार, मतलब लॉजिकली, है ना। तो अगर वहाँ पे इमोशंस डाल दिए जाते हैं तो वो चीज़ें रिकॉल हमको बहुत जल्दी होते हैं, चलते फिरते या देख के समझ जाते हैं अच्छा ये है, ये है, ये है, भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, लॉजिकली नहीं सोचना पड़ता, इमोशनली ऐसा फील आने लगता है, मतलब ये चीज़ें ऐसी जो आप समझ गए होंगे। और ये जो 95% है वो नहीं जाने वाला, वो मेरे अंदर भी है, आज भी है। तो अगर आप पूरा 100% रिकवर होना चाह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है रिकवर नहीं हो पाओगे पूरे तरीके से, मतलब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप ह्यूमन हैं,
रोबोट नहीं है, तो 95% 97% रिकवर है, तो आप पूरी तरह से रिकवर हैं। और क्या होता है, जैसे मेरे साथ भी था कि अगर आप रिकवर हो जाते हैं, आपको यही नहीं पता होता है कि आप रिकवर हो गए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ बाकी है, और हर टाइम एक ना एक फील हमारे बैकग्राउंड में चलता होता है, नहीं यार अभी कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है। ये वैसी ही चीज़ है जैसे कि आप पढ़ के एग्ज़ाम देने जाते हैं और ये सोचते रहते हैं पढ़ तो लिया है पूरा, पर मुझे लग रहा है कुछ तो कमी है थोड़ा सा। वो वैसी ही चीज़ है थोड़ी सी पढ़ाकू नहीं हूँ एक सीधी बात है यार, ये आपका ये टाइम है जहाँ पे आपने कितना कुछ सहा, कितना कुछ मतलब फील किया बहुत वियर्ड सा, तो ये नहीं जाने वाला, ये चला गया मतलब ब्रेन ख़राब है, ये फील हटेगा ही नहीं। ब्रेन रिमेम्बर करेगा क्योंकि वो आपका एक पार्ट है, लाइफ का एक पार्ट है जो हो चुका है, तो ब्रेन उसको रिमेम्बर करेगा, वो नहीं भूलेगा। वो भूलने लगा तो ब्रेन इज़ नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, ठीक है, तो उसको ज़्यादा टाइम याद करने की कोशिश मत करो। ज़्यादा टाइम याद कर, ऐसा नहीं बोल रहा मैं याद नहीं आएगा, वो याद आएगा, पर अपने आप को बिज़ी रखो और उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, एंड चीज़ें सब सही हो जाएंगी। मतलब आप हमेशा चेक करते मत रहो उसको, अपने काम पे करो क्योंकि सब सही रहेगा। तो यही वाली चीज़ थी, उतना सा रहेगा, उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, डीपी के बारे में ज़्यादा मत सोचो, अपने काम से काम रखो और हमेशा अपने को बिज़ी रखो, दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके सो बाय।